हेलमेट ले ले फिर चले स्टेशन। हम आ रहे हैं आप चांद भाई, दो मिनट हमारे पास हेलमेट ले लिया क्योंकि अभी हमें स्टेशन जाने के लिए उससे मिल जाए, आप स्टेशन छोड़ के निकल जाएंगे। इधर देख लो बाबू, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह नंबर 6 पे मिला। इन्होंने मदद मांगने के लिए हमसे फ़ोन मांगी और जब हमने इनको मोबाइल दिया तो इनके फिर मोबाइल पे बैक कॉल इनके भाई का आया कि आप इनकी मदद करिए। इनकी मदद करने के लिए मैं जीआरपी में गया लेकिन जीआरपी ने इनको अपने पास रखने से या इनकी निगरानी में इनको लेने से मना कर दिया, जिसके कारण मैं 2 बजे अपनी ड्यूटी छोड़ के ख़त्म करने के बाद हम इनको घनश्यामनगर रेलवे कॉलेज अपने घर पर ले आए। इनके भाई की सूचना मिली कि फ्लाइट से आ रहे हैं, जब इनके भाई यहाँ पे आ गए उसके बाद हमने इनके भाई को इनके सपोर्ट किया जान को, उसके बाद मैं फ्री हो गया। आज बहुत हमें खुशी हो रही है कि एक भाई खोए हुए भाई को एक भाई से मिलवा कर। क्या नाम आपका? संदीप कुमार सिंह। कब निकला है? 7 तारीख। बता के नहीं लगा? नहीं, सोए हुए थे लोग, रूम खोल के निकल गए। क्या इसके आप लोगों ढूंढा नहीं इसको? ढूंढने का तो बहुत ढूंढा है, हर जगह ढूंढा है, दिल्ली में समझिए जहाँ जहाँ फेमस हो गया, निजामुद्दीन, फिर जामा मस्जिद, रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हर जगह, हर रोज़ हर नया जगह पे जाता था। जानकारी मिली है? यहाँ कैसे जानकारी मिली है? यहाँ पर कैसे पता चला भाई? यहाँ पे एक फ़ोन, मतलब इसको एक नंबर याद था जो वही फ़ोन ये लेकर चला गया, तो हम लोगों ने क्या किया, वो मेरे छोटे वाले भाई का सिम, मतलब सिम उसके नाम से, तो वो नंबर बंद करा के फिर से चालू करा दिया। हो सकता है इसका कोई फ़ोन छीन लिया हो, हम लोग से कॉन्टेक्ट कर रहा हो, तो इसी नंबर से ये आज फ़ोन किया है ये भैया संदीप सिंह नंबर से, तो फ़ोन किया तो भैया से बोले हैं तो थोड़ा उसको पता है 10-15 दिन से उसको थोड़ा अपने से स्टडी में रखी है, हम आ रहे हैं फ्लाइट करके दिल्ली से अभी आए हैं, तो अभी इसको लेके जा रहे हैं जी, अभी लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा समी मालूम है।